Assalamu alaikum, welcome back to my channel. So very good morning to everyone. So अभी फिलहाल चेकआउट कर लिया है होटल से, दो दिन चिरापुंजी में बहुत अच्छी तरीके से वक्त बिताया है. बहुत सारे वीडियोज़ आने वाले हैं तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया नहीं, अभी अपलोड करूँगा जल्दी. और टाइम हो चुका है राइट नाउ 10 o'clock. सो अभी एक मीटिंग है, वो मीटिंग कम्प्लीट करने के बाद आई विल गो टू वर्ड टाउकी. देखते हैं टाउकी जाना होगा कि नहीं होगा, पहले एक प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी देखने चलते हैं और इसके बाद डिसाइड करेंगे कि कैसा रहेगा. और अभी इसका ही इंतज़ार कर रहे हैं, इट विल टेक एट लीस्ट टाइम. सो बहुत ही मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा था. यहाँ पे मौसम अच्छा है, यहाँ पे मैं जहाँ पे स्टे कर रहा हूँ ये है उम्फोलियो गेस्ट हाउस. सो उम्फोलियो गेस्ट हाउस में मैं स्टे किया. बहुत सस्ता है, बहुत ही अच्छा है और यू कैन स्टे हियर. और अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स वन मीटिंग इज डेयर, सो आई एम गोइंग टूवर्ड्स सोहरा ओनली. तो वहाँ से हम लोग प्लान करेंगे कैसा क्या रहेगा. तब तक के लिए चिल आउट. सो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं दाउकी की तरफ. अभी दाउकी पहुँचने वाले हैं और अपडेट थोड़ा कम किया क्योंकि मोबाइल में चार्ज कम था. एंड कोशिश करेंगे कि आगे का वीडियो अच्छे रहे. और रात हो चुकी है, इट्स अराउंड 7 o'clock नाउ. एंड देन हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. सो आ चुका हूँ दाउकी. लेट हो गया तो इसकी वजह से मैंने व्लॉग ज़्यादा नहीं बनाया, बैटरी चार्ज कम हो गया है 5% ओनली. सो अभी हम लोग यहाँ पे होम स्टे कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा जगह है. बट सीरियसली बताओ ना, सुबह के टाइम में आप व्यू देखोगे और रात के टाइम में देखना. अभी रात के टाइम में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा अंधेरा है और ये आप कुछ दिखा भी नहीं सकता. होम स्टे भी इज वेरी गुड मॉर्निंग. सो आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कुछ अच्छा पल. सो सॉरी फॉर यस्टरडे नाइट. और हम लोग ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे तो इसके लिए हम टायर्ड भी हो गए थे तो व्लॉग्स कुछ बना नहीं पाए. तो पाँव भी बहुत दर्द हो रहा है बिकॉज हम लोग कल जो फुट, क्योंकि कल इतना गंदा कार्डियो किया है जो स्टेयर्स अप एंड डाउन, उसके वजह से पाँव दर्द करने लगा है. सो लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू गाइस. ये उस तरफ आप देख सकते हो, ये पूरा पहाड़ जो है अभी मेघालय के अंदर है. एंड आगे जाके देखेंगे तो वहाँ से बांग्लादेश आपको दिखाई देगा. सो ये हम लोग का होम स्टे है जो हम लोग ने नाइट्स को स्टे किया है. इट्स ऑसम सराउंडिंग, ऑसम प्लेस एंड क्या जन्नत है भाई, जन्नत. अभी बोटिंग के लिए चलते हैं. गाइस फाइनली आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्टल क्लियर. तो अभी फिलहाल नहीं दिख रहा नीचे का, बट आगे जाके देख सकते हैं शायद क्लीन होगा. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक. सो बहुत वक्त के बाद दाउकी का नज़ारा बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही अच्छा वक्त बिताया मैंने यहाँ पे. बट एक ही चीज़ कहूँगा भाई, गर्मी के टाइम में मत आओ, बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है बिकॉज़ यहाँ का जो ह्यूमिडिटी है बहुत ही ज़्यादा ही है, गर्मी है. सो अभी हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं टूवर्ड्स दाउकी विलेज एंड वहाँ से हम लोग निकलेंगे लाइक सोहरा की तरफ से. और वीडियोज़ फिलहाल मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए अच्छा बनाने की.
और जारी रहेगी। और आपको जस्ट दिखाना चाहता हूँ, कोई भी आते हो यहाँ पे पार्क कर सकते हो, यहाँ पे लाइक चार्जेस लेते हैं थोड़ा बहुत, बट आपके व्हीकल सेफ रहेंगे, बाइकर्स आ सकते हैं, बहुत सारे बाहर से तो आते ही हैं। और मैंने देखा है कि अपना गौरव तानोजा यूट्यूबर, वो भी आए हैं यहाँ पे, बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, बहुत सारे वीडियोग्राफर बनाते हैं यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी नाइस व्यू। बस यही है कि ठंड के टाइम में ये नज़ारा कुछ और ही होगा, बट यही है कि गर्मी के टाइम में थोड़ा ज़्यादा, ये आप देख सकते हैं ये पूरा पसीना पसीना हो रहा है, बट स्टिल कोशिश करूंगा। अभी जाते हैं, आगे जाके कुछ बातें करेंगे, तब तक के लिए आप इंतज़ार कीजिए। ऑल ऑफ ये आप नज़ारा देख सकते हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं असम। सो 20 रस्ते में पहुंचा अभी दाउकी। सो उस तरफ बांग्लादेश है, इस तरफ इंडिया। और बारिश के वक्त पे तो ये पानी पूरा भरा हुआ रहता है, बट अभी फ़िलहाल जैसे विंटर स्टार्ट हो जाएगा पानी कम होने लगेगा। और अभी तो पानी इतना साफ नहीं है, बट नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये 3 महीना ऐसा है कि पानी क्रिस्टल क्लियर रहता है, जो आप मोबाइल में इंटरनेट पे आप देखते हो। तो गाइस विज़िट करो, टूरिज़्म को बढ़ाओ और हम भी टूरिज़्म को बढ़ाते हैं। और प्लीज़ साफ़ सफाई रखना। गाइस वेलकम बैक। सो दाउकी से हम लोग जा रहे थे वापस गुवाहाटी की तरफ, तो रास्ते में मेरा एक मतलब वो बंदा आया है हैदराबाद से बाइक चला के, वो भी डोमिनार 400। तो बंदे को देखा, मैंने बोला चलो बात कर लेते, क्योंकि ऐसा, क्योंकि मैं भी खुद एक बाइक राइडर हूँ। सो चलो बात करते हैं। तो वो बोटिंग के लिए जा रहा था, तो बोला कि वो अकेला है, तो उसने बोला कि चलो लेट्स डू। सो हम लोग साथ में बोटिंग। सो आप ये देख सकते हैं सामने। सो ये दाउकी विलेज में, ये कभी आओगे तो ये दाउकी में करना ज़रूरी है यार। का गुड नेम? ओके, सो आप हैदराबाद से लद्दाख ये सब करके? हैदराबाद, लद्दाख, स्पीति। क्या बात है। सो मैं मतलब बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। स्विमिंग आता है ना आपको? आप बस टेंशन नहीं है। पानी तो ये अभी विंटर में बहुत ठंडा ये होगा ना, क्लीन रहेगा ना? सो गाइस हैविंग फन, बहुत ही नेचुरल। और पानी आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन। Hey guys, welcome back to the world, the cleanest village in Asia. मजाक नहीं है, बहुत मेहनत लगता है वहाँ से आने के लिए यहाँ पे। और ट्रैवलिंग में हालत ख़राब हो जाती है अभी। सो अभी मैं और मेरा फ्रेंड और मेरा भाई हम लोग जा रहे हैं अभी वहाँ पे, देखेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे। और बहुत प्यारा नज़ारा है बोलते हैं, पर मोबाइल में ज़्यादा बैटरी नहीं है इसकी वजह से, कोशिश करूँगा आप लोग के लिए। Guys, ₹30 for that, और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। सो गाइज आओ यहाँ पे स्काई व्यू का नज़ारा लो, नाइस ना? Brother! Woo! So guys, आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। नेक्स्ट टाइम जल्दी मिलेंगे आप लोग के साथ।